नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। श्रावणी मेले के दौरान आईआरसीटीसी नहीं करेगी इन चीजों की बिक्री। ऐप से बिहार के शिक्षकों की निगरानी शुरू। बिजली बिल एडवांस जमा किया तो मिलेगा ब्याज। इतने रुपए और इस दिन से मिलेगा वर्ल्ड कप मैचों का टिकट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में 2 दिनों तक सभी सीटें फुल। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, तो वहीं आज यानी कि 28 जून से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस अपने पहली सफर पूरी कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन के पहले दिन पटना से रांची आने जाने की बुकिंग फुल हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रेन में यात्रियों की वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिली। मालूम हो कि ट्रेन से सफर करने के लिए लोगों को 2 दिनों तक टिकट नहीं मिल पा रही, यानी कि यात्रियों को ट्रेन से सफर करने के लिए अब 3रे दिन की टिकट लेनी पड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन के परिचालन की शुरुआत होने से अब यात्री पटना से रांची का सफर 6 घंटे में पूरा कर सकेंगे। बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की ओर से 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत इस साल इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य विभागों के कुल 346 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि 346 पदों में से 101 पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बीपीएससी 69वीं की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी, तो वहीं इसकी मुख्य परीक्षा 9 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अब तक आयोग की ओर से इंटरव्यू की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बिहार में मॉनसून का असर, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में अब मॉनसून का आगमन हो चुका है, जिससे कि लोगों को अब भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। बता दें कि आज राजधानी पटना में सुबह सुबह बारिश देखने को मिली। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से राज्य की राजधानी पटना समेत कई जिलों में अगले 48 घंटे तक बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग की ओर से औरंगाबाद, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, अरवल, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, सारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली जिले के कुछ इलाकों में शाम तक तेज हवाओं के साथ ठनका गिरने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में कल यानी कि 29 जून को भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं वज्रपात की आशंका, तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। श्रावणी मेले के दौरान आईआरसीटीसी नहीं करेगी इन चीजों की बिक्री। आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाले और अगले 2 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से पहली बार एक बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि रेलवे की ओर से लिए गए इस फैसले के तहत श्रावणी मेले के दौरान 3 जुलाई से भागलपुर और सुल्तानगंज स्टेशन पर किसी प्रकार के नॉनवेज खाना और साथ ही लहसुन प्याज से बने खाने को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 3 जुलाई से रेलवे की ओर से भागलपुर और सुल्तानगंज स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और कांवड़ियों के लिए सात्विक भोजन की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं खान पान की शुद्धता का भारतीय रेलवे और पर्यटन निगम की ओर से खास ध्यान रखा जाएगा। आईआरसीटीसी के भागलपुर के सुपरवाइजर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन 2 महीने ने स्टॉल कर्मचारियों को साफ सफाई रखने का विशेष ध्यान देने को कहा गया है और साथ ही उन्हें अपने बाल और नाखून को भी साफ रखने का निर्देश दिया गया है। टमाटर, लहसुन, जीरा समेत कई चीजें हुई महंगी। मानसून में देरी और कमजोर बारिश के चलते सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जिससे कि लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बता दें कि अब टमाटर की कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि 2 सप्ताह पहले यह कीमत 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। इसके साथ ही लहसुन की भी कीमत 80 से 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं लाल आलू की कीमत 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि सफेद आलू की कीमत 16 रुपए से बढ़कर 18 रुपए हो गया है। गाजर 100 रुपए के भाव में बिक रहा है। इसके अलावा शिमला मिर्च भी 80 से 100 रुपए के पास पहुंच चुकी है। बता दें कि सब्जियों की कीमत में 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक वृद्धि हो गई है। इसके अलावा रिफाइंड और सरसों तेल में 5 रुपए व जीरा 100 रुपए तक महंगा हो गया है।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर राज्यपाल का तंज। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा गया कि बिहार की विडंबना है कि समय पर परीक्षा लेना विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कहीं नहीं होता है, लेकिन यहां विश्वविद्यालय के कुलपति भी इसे अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां स्थिति और खराब है। गिने चुने विश्वविद्यालय ही समय पर परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि वह समय पर परीक्षा आयोजित करवाए, यह उनका रूटीन काम है, यह कोई पीठ थपथपाने वाली उपलब्धि नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति को देश की माटी से जोड़ने वाली शिक्षा नीति बताया है। राजधानी में नकली स्टाम्प के धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में दिल्ली पुलिस के द्वारा पटना पुलिस की मदद से गुप्त सूचना के आधार पर नकली स्टाम्प और डुप्लीकेट किताब की छपाई करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीर बहोर थाना इलाके में भिखना पहाड़ी स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी कर लाखों रुपए की नकली स्टाम्प और पेपर जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। वहीं इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा कागजी कार्रवाई करने के बाद दिल्ली लेकर रवाना हो गई है, जहां दिल्ली पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस दोबारा पटना आ सकती है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार हुए दोनों व्यक्ति भिखना पहाड़ी के ही रहने वाले हैं। ऐप से बिहार के शिक्षकों की निगरानी शुरू। बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति बेहतर हो सके, इसके साथ ही शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बीते दिन मंगलवार से स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि जिस टोले में बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में 90% से कम रहेगी, उस पोषक क्षेत्र के शिक्षा सेवक के मानदेय में कटौती की जाएगी। बता दें कि अब इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होना शुरू हो गई है, लेकिन इस सबके बीच खास बात यह है कि विद्यालयों एवं शिक्षकों की तमाम कठिनाइयों को देखते वे वीडियो भी तैयार किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। टीका पट्टी में बिजली करंट लगने से चार महिलाओं की मौत, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। बीते दिन मंगलवार को बिहार के पूर्णिया के टीकापट्टी थाना अंतर्गत ग्राम गोरियर पहियार में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से खेत में धान रोपनी करती हुई चार महिलाओं की मौत हो गई, तो वहीं दो अन्य महिलाएं बुरी तरह झुलस गई। वहीं इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्णिया के टीकापट्टी थाना अंतर्गत ग्राम गोरियर पहियार में बिजली करंट लगने से धान रोपनी करती हुई चार महिलाओं की मृत्यु एवं अन्य दो लोगों के झुलसने की घटना बेहद खद है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा, झुलसे लोगों के निशुल्क इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बिजली बिल एडवांस जमा किया तो मिलेगा ब्याज। बिहार के वैसे उपभोक्ता जो बिजली बिल एडवांस में जमा करते हैं, उनके लिए कंपनी की ओर से ब्याज देने का फैसला लिया गया है। बता दें इस फैसले के तहत कंपनी की ओर से वन टाइम स्कीम यानी कि OTS लॉन्च करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत कुटीर ज्योति से लेकर औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली बिल के अलावा एडवांस पैसा जमा करने पर ब्याज दिया जाएगा। इसके लिए हर श्रेणी के न्यूनतम एडवांस राशि तय की जाएगी। बता दें कंपनी की ओर से यह कोशिश की जाएगी कि हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए इतनी राशि तय की जाए कि वह उनके लिए मुफ्त साबित हो, उसे ब्याज देने में उन्हें परेशानी न हो और वह राशि किसी के लिए बोझ भी न बने। बिहार में पंचायत व कृषि विभाग में 826 पदों पर होगी बहाली। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसमें 593 निम्न वर्गीय लिपिक, 42 उच्च वर्गीय लिपिक, 31 प्रधान लिपिक और 9 कार्यालय अधीक्षक के पद शामिल है। इसी प्रकार से भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के अधीन 151 नए पदों के की भी स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार कैबिनेट में कुल 826 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दी गई है। बकरीद को लेकर पटना DM ने दिए ये निर्देश। देश भर में 29 जून को बकरीद मनाया जा रहा है, ऐसे में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से 2 दिनों के लिए आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मालूम हो कि ऐसा बकरीद में होने वाले नवाज को लेकर किया गया है। वहीं कल यानी कि 29 जून को बकरीद के मौके पर यहां नवाज अदा किया जाएगा। इस दौरान गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में इन सभी बातों को देखते हुए पटना DM चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के द्वारा गांधी मैदान का निरीक्षण किया
किया गया और साथ ही कई निर्देश भी दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि वाहन से आने वाले नामाजियों को गेट नंबर 4 और 5 से आना होगा। वहीं पार्किंग की व्यवस्था गांधी मैदान के अंदर की जाएगी। इसके अलावा पैदल आने वाले नामाजियों को गेट नंबर 1, 4, 5 और 10 से आने की अनुमति दी गई है। वहीं गांधी मैदान में सफाई, पानी, शौचालय, बैरिकेडिंग, बिजली, एम्बुलेंस व अन्य की तैयारी को लेकर भी डीएम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। हम के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची पर आरजेडी का तंज। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के द्वारा अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है। वहीं इस सूची पर अब आरजेडी के द्वारा तंज कसा गया है। दरअसल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा इस सूची पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जो लोग राजद को परिवार की पार्टी कहते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मांझी जी खुद अपनी पार्टी के संरक्षक हैं और इनके बेटे संतोष सुमन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं अब इनके समधन और दामाद राष्ट्रीय महासचिव है। एजाज अहमद के द्वारा कहा गया कि पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परिवारवाद को लेकर लंबी लंबी बातें कही गई थी और अब देखिए उनकी अलायंस की पार्टी में क्या हो रहा है। इस पर भी उन्हें बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें बीजेपी या गठबंधन की पार्टी पर कुछ नहीं बोलना है। ऐसे में उनका दूसरों पर बोलना ठीक नहीं है। दरअसल बीते दिन जारी किए गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी को और दामाद देवेंद्र मांझी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इतने रुपए और इस दिन से मिलेगा वर्ल्ड कप मैचों का टिकट। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वर्ल्ड कप मैचों का टिकट कब से और कितने रुपए में मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि अब तक वर्ल्ड कप मैचों के टिकट की बिक्री शुरू नहीं हुई है और इस संबंध में बहुत जल्दी ICC की ओर से अपडेट दिया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद संभवतः अपनी आधिकारिक वेबसाइट cricketworldcup.com पर ऑनलाइन टिकट बेचेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के आधिकारिक टिकटिंग भागीदार भी अपने प्लेटफॉर्म पर टिकट बेच सकते हैं। आयोजन स्थल और मैच के आधार पर टिकटों की कीमत 100 से 50 हज़ार रुपये होने की उम्मीद है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपये और डीजल 94.77 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपये और डीजल 95.50 रुपये प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपये और डीजल कीमत 94.71 रुपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपये और डीजल कीमत 95.04 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नीतीश, अखिलेश यादव, शिल्पी भारती, पप्पू कुमार, सुजाता कुमारी, नौशद अंसारी, मोहम्मद अफजल मंसूरी, संतोष कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, रौनक, के सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बकरीद को लेकर आपके क्षेत्र में कैसी तैयारियां चल रही हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।